तो जी हाँ, मैं नाकिर आलम और हमारे साथ जुड़े हुए न्यूज़ 24 टेरागाज के मीडिया प्रभारी जनाब अबू फरहान छोटू साहब। तो अभी हम लोग टेरागाज प्रखंड के बैगना में मौजूद हैं। ये वो बैगना की सरजमी जहां क्रांतिकारी सरजमी कहा जाते हैं, जनाब मरहूम गुलाम मोहम्मद यहिया साहब की सरजमी, जहाँ से उठी हुई आवाज़ पूरे इलाके के अंदर एक नाराबंदी है। तो हमारे साथ मौजूद हैं टेरागाज प्रखंड मौजूदा प्रमुख जनाब डॉक्टर मिसबाहुल हक साहब, उनसे जानेंगे कि अगला लोकसभा चुनाव के बारे में आपकी क्या सोच। थैंक यू। सबसे पहले तो हम आप सबको बधाई देंगे जो जो न्यूज़ 24 के माध्यम से ये मतलब एक जागरूकता अभियान स्वरूप चला रहे हैं। बड़ी खुशी की बात है कि आने वाला जो लोकसभा इलेक्शन आ रहा है सामने में, जहाँ तक सवाल है कि पार्टी की बात, अभी दो तीन पार्टियाँ ऐसी है जो सुचारू रूप से अभी कंफर्म नहीं हुआ कि किसको किसका मतलब टिकट मिल रहा है। स्वाभाविक रूप से हम कैंडिडेट को देखते हुए ही वोट करेंगे। तो आने वाला चुनाव में आप कैंडिडेट को देखकर वोट करेंगे या पार्टी को देखकर वोट करेंगे? एक्चुअली हमें दोनों चीज़ का ख्याल रखना है, क्योंकि पार्लियामेंट का जो जहाँ पे गवर्नमेंट सरकार जो बनेगी उसका भी हमको ख्याल रखना है कि ताकि हमें अपने गांव समाज में विकास प्रगति पे आवे और अच्छी तरह से काम होए। स्वाभाविक रूप से सत्ता परिवर्तन होना भी चाहिए, और प्लस दूसरी बात कि सरकार जिसकी होगी 100% है कि उसका बोलबाला भी होगा। तो आपका किशनगंज से कांग्रेस का टिकट की अभी घोषणा नहीं हो पाई है, तो आपकी तरफ से क्या मांग है, किसे टिकट दिया जाए ताकि आप यहाँ के जनता सोचे? नहीं, इसके लिए तो पार्टी का जो मुखिया, जो स्वाभाविक रूप से जो अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी हैं, वो अपने खुद भले भांति अपने पार्टी के द्वारा खुद मतलब चयनित करें। हम उसके इसमें अगर स्वाभाविक रूप से अच्छा कैंडिडेट होगा तो हम साथ हैं। तो ये थे जनाब डॉक्टर मिसबाहुल हक साहब, वर्तमान प्रमुख टेरागाज, जिन्होंने कहा कि अभी हालात सामने आएगी, कुछ दिन बाद टिकट की घोषणा होगी, जो हालात आएगी उसके हिसाब से फैसला लिया जाएगा, सत्ता केंद्र की सरकार में परिवर्तन हो। धन्यवाद हमारे डॉक्टर मिसबाहुल हक साहब। राजेश कुमार शाह जी, और आने वाला लोकसभा चुनाव में MP का वोट आप किसको देंगे? अपना मत तो किसी को तो देना ही होगा। हाँ, तो देना होगा, तो फिलहाल कौन आपको अच्छा लगता है? ये बोलना उचित नहीं होता है। उचित नहीं होता, फिर भी आपका एक मशवरा, आपको फाइनली नहीं पूछ रहे हैं। कैंडिडेट तो मेरे नज़र में दोनों ठीक ही लगता है। कौन कौन? ये अख्तरुल इमाम और ये तौसीफ। अख्तरुल इमाम और तौसीफ, यानी कि जो हालात आएगा आगे देखा जाएगा। हाँ, धन्यवाद। आज प्रखंड के बैगरा हाट में अभी हम बात करेंगे पूर्व सरपंच साहब से कि आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर क्या रुझान है और क्या सोचते हैं सरपंच साहब। अभी चुनाव का टाइम है जी, चुनाव आएगा, चेहरा देखेंगे तब बताएंगे। तो मतलब फिलहाल अभी तो जैसे मतलब कि JDU का भी है और कांग्रेस का भी, दोनों का पार्टी अभी ये जी, नहीं जी, किया जी जी जी। तो इसके विषय में आप कहते हैं कि चेहरा देखा जाएगा, पार्टी देखा जाएगा, उसी अनुसार से वोट दिया जी जी। ये सरपंच साहब का कहना है कि पार्टी अभी आलाकमान तय नहीं की है किसको देगा, देखेंगे हम लोग कौन बनेगा, कौन दबंग रहेंगे उसी को हम चुनेंगे, जो काम करेगा। मौजूद है बैगना हाट में, तो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका नाम? मोहम्मद नौशाद आलम। मोहम्मद नौशाद आलम साहब, आपके टेरागाज में क्या क्या समस्या है? पिछले 5 साल से जो BJP की हुकूमत है आपके हिंदुस्तान में, उसमें क्या आपको प्रभाव पड़ रहा है, और उससे पहले जो कांग्रेस की सरकार थी उसमें क्या फ़र्क है, आप बताएंगे थोड़ा? अब तक तो हम लोगों का टेरागाज प्रखंड में अभी कोई विकास के बारे में कुछ चर्चा ही नहीं है, और न ही विकास हुआ है, और न ही लगता है कि विकास कराएगा ये BJP वाला पार्टी। अच्छा, और चूँकि मेरे यहाँ जाने का अभी रास्ता अगर देखा जाए तो बिल्कुल खंडर पड़ा हुआ है, और गली गली में बिल्कुल अभी भी कीचड़ लगा हुआ है मेरे यहाँ। तो आने वाला लोकसभा चुनाव में किशनगंज क्षेत्र से आप क्या चाहते हैं, किसे अपना नुमाइंदा बनाना चाहेंगे? कोई बढ़िया कैंडिडेट हो जो नया चेहरा में हो। नया चेहरा में आपके सोच में कुछ? मेरा सोच में क्या, अभी फिलहाल अभी उभरा हुआ है MIA वाला, वो अख्तरुल इमाम साहब कैंडिडेट के रूप में। अच्छा, तो हम तो अपने आप को सोचते हैं कि उनको दिया जाए, और उससे बेटर कोई अभी दिखाई भी नहीं जा रहा है। यानी कि आने वाला चुनाव में आप कैंडिडेट के नाम पर अख्तरुल इमाम साहब को वोट करेंगे, पार्टी के नाम पर नहीं? हाँ, अब तक सोच है मेरा। अब तक सोच है, फिर आगे बदल भी सकता है क्या? आगे कैंडिडेट के रूप से आप टिकट किसको मिलता है, अगर टिकट के रूप से जैसा कि कांग्रेस का हमने टिकट नया चेहरा में अगर किसी को दिया जाता है, तो फिर उस वक्त तो सोच कुछ हो सकता है कि नज़दीकी कोई क्लोज हो जाए। अच्छा, तो उनको सोचना पड़ेगा।
तो यानी कि अभी मौजूदा वक्त में कैंडिडेट के नाम पर आप अख्तर उल ईमान साहब के समर्थन में हैं, और जब टिकट की घोषणा हो जाएगी अगर आपका कोई नजदीकी होंगे तो फिर विचार का विषय होगा। जी। तो धन्यवाद देते हैं जनाब नौशाद आलम साहब, जो हालात आगे आने पर वो फैसला करेंगे, फिलहाल वो अख्तर उल ईमान साहब के पक्ष में। ठाकुर अनिल ठाकुर जी, आने वाला लोकसभा चुनाव के बारे में आपका क्या ख्याल है, किसको वोट देंगे? अभी तो यहाँ किशनगंज जिला से कभी एक बार बीजेपी जीत कर गया है। अच्छा। तब से बीजेपी का चांस है नहीं हमारे सोच के हिसाब से। हाँ। बीजेपी तो जीत ही नहीं सकेगा। अच्छा, क्यों ऐसा क्यों सोच रहे फिर आप? अब जीत के कहाँ आया है, एक बार सिर्फ किसी कदर किसी घटना या किसी बेबस से वो जीत के चला गया। कौन कौन था वो बीजेपी कैंडिडेट? अवध बिहारी शायद होगा शायद। नहीं, वो सैयद शाहनवाज था शायद। ओ सैयद शाहनवाज, जी। अवध बिहारी तो विधानसभा कैंडिडेट थे लेकिन वो हार गए। हाँ, अब आने वाला इलेक्शन आ ही रहा है सामने में। अच्छा, अब देखे कौन लकी बनता है, इसके लिए हमको उतना अनुभव तो नहीं है। फिर भी यानी कि आपको बीजेपी के साथ हैं? बीजेपी का तो साथ देने से भी वो जीतता ही नहीं है। क्यों ऐसा क्यों लग रहा है? नहीं, एक तरफा वोट करेंगे तब ना वो जीतेगा। हाँ, एक तरफा हो ही रहा है। यानी कि आप क्या सोच रहे हैं फाइनली, किसको किसके समर्थन में आप हैं? अभी तो समर्थन मतलब कि देखे किसका पक्ष में कौन क्या है नहीं है, मतलब आने वाला भविष्य नहीं बताएगा। और रहा सवाल टिकट, अच्छा वैसे बढ़िया कैंडिडेट को दिया जाए कि हम लोग कैंडिडेट के हिसाब से आपके किशनगंज में कौन सा है? जैसे कि आपके जो MIM के हैं अख्तर उल ईमान साहब हैं, और एक भाजपा गठबंधन यानी कि JDU के तरफ से मोहम्मद असफ साहब लगभग माना जा रहा है, फाइनल नहीं हुआ है। उसके तरफ कांग्रेस की तरफ से 4-5 कैंडिडेट हैं, मतलब दावेदार। आपके बहादुरगंज से तौसीफ साहब हैं, किशनगंज से जावेद साहब हैं, मौलाना साहब के छोटे भाई जाहिदुर रहमान साहब हैं, और दीगर लोग हैं। उनके हिसाब से किसको आपको अच्छा लग रहा है कैंडिडेट? सबको मतलब मिला जाए, काम के विकास में देखते हैं। अभी बोलबाल के हिसाब में भी है, बोलबाल के हिसाब से अख्तर उल ईमान साहब है। तो आप यानी कि बोलबाल के हिसाब से वोट देंगे या फिर काम के हिसाब से वोट देंगे? काम के हिसाब से तो वही है, अभी जीते ही नहीं, उस बार को जिता के दिखाएंगे। यानी कि एक बार नहीं जीते, एक बार जिता करके दिखाएंगे अख्तर उल ईमान को। अगर बढ़िया लगेगा तो फिर वही अगले। धन्यवाद।